अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और जी, आज का ब्लॉग जो स्टार्ट कर रही हूँ, ये लास्ट वीक 18 जुलाई का है और हसन के 6 मंथ जो हैं कंप्लीट हो गए थे, इसलिए मैंने सोचा कि छोटी सी जो है 6 मंथ बर्थडे कर लूँ। सो और कुछ था नहीं तो मैंने खुद ही जो है 6 मंथ का वो करके और ग्लिटर पेपर के साथ इसको अटैच किया है, आप लोग देख सकते हैं। और पहले मैंने जो चार्ट पेपर है उसको कट किया और उसके ऊपर जो है ग्लिटर पेपर जो है वो मैंने लगा दिया था। मैंने कहा जो एक मतलब प्रॉपर शाइन वो करता है। सो ये मेरा रेडी हो चुका है और ग्लिटर पेपर जो होते हैं उनके जो है वो हो जाते हैं। और स्टिक मेरे पास कोई नहीं थी, सो ये भी एक चार्ट पेपर था उसको मैंने फोल्ड करके बना लिया। सो आप लोग घर में बना सकते हैं। सो जी सिंपल सा था और ड्राइंग रूम में मैंने किया था। और अगर आप लोग मुझे कहते हैं कि अपना जो है सारा जो फर्नीचर वगैरह है जो भी है वो अगर मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, उसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगी। सो ये फेरी लाइट्स मेरे पास पड़ी हुई थी, सो ये मैंने फ्लावर्स के ऊपर लगा दी थी और अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे जी लाइट नहीं जली, तो इस तरह भी बहुत प्यारा लग रहा था। और ये देख सकते हैं आप हसन माशाल्लाह से और 3 बलून्स। और ये मैंने पेस्ट्री मंगवाई थी केक एंड किचन से, आप देख सकते हैं 6 मंथ का जो है बैनर टाइप वो मैंने बना लिया और बहुत ही मज़े का लग रहा है। और ये मैंने पेस्ट्री, और क्योंकि इतना कुछ करना नहीं था, सिंपल सी करनी थी ताकि एक यादगार रहे, एक मेमोरीज आपकी सेव हो जाएंगे इस 6 मंथ की जब ये हसन था तो की थी। और इसके अलावा इंशाल्लाह जब ये साल का होगा तो इंशाल्लाह 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 अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो एक ग्रैंड सी जो बर्थडे है वो करेंगे इंशाल्लाह। सो माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। और सो जी अभी जो आगे की वीडियो है उसमें मैं भी आऊँगी। और मेरा हाल जो बहुत बुरा था क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी, फ़ैन भी ऑफ़ किया हुआ था। सारा ये करने के बाद जो है दूसरी जो वीडियो है वो मेरे पास नहीं थी। सो यही है। ट्राई करो ना, ये दोनों हाथ करते यहाँ पे जी चॉपस्टिक से ट्राई हो रहा था नूडल्स खाना। और ये मेरी जो है कज़न, उनका बेटा है आर्यन, और यहाँ पे जी सिखाया जा रहा है कि चॉपस्टिक से कैसे आप खा सकते हैं। और इसी तरह वो सारा मजाक चल रहा था। बच्चे आए हुए थे क्योंकि हसन की वजह से, ये हसन की वजह से आए हुए थे और अभी इनको बता रहे हैं कैसे खा सकते हैं।1 5 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 2 इधर आएगा ना, और एक चल मिया। ये ईद का तीसरा दिन है और आज जो था अम्मी की तरफ बारबेक्यू था और कज़न वगैरह भी आए थे उनके फैमिली। और यहाँ पे जी बना है बीफ पुलाव और कुर्बानी हो, और बीफ पुलाव ना बने ऐसा हो नहीं सकता। सो ये बना था पुलाव। और इसके अलावा जो है बारबेक्यू के लिए ये गोश्त और इसको टिक्के बनाने थे। और ये जी सीख कबाब के लिए जो सारा मसाला वगैरह था, कीमा वगैरह था, वो रेडी करके मैंने रख दिया था। और इसमें ये देखिए आप मसाले, इसको मैं अभी अच्छे से मिक्स करने लगी हूँ। इसकी मैंने कोई रेसिपी वगैरह रिकॉर्ड नहीं की थी क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं था। सो जल्दी जल्दी में, और ये जो मेरी कज़न हैं वो लगा रही हैं मसाला। बन रहा है टिक्का, स्पाइसी टिक्का बोटी, और ये इसमें मैंने ऐड किया है टिक्का मसाला, बीफ टिक्का मसाला, और साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे दही। और इसमें हमने वो नहीं ऐड किया, क्या कहते उसे, कचरी पाउडर। हाँ कचरी हमारे पास था नहीं। थोड़ा सा मैंने इसमें सिरका शामिल किया था और हसबे जरूर। और यहाँ पे जी सीख कबाब वाला रेडी हो चुका है, अभी हम लोग बारबेक्यू करने लगे हैं। ये रेडी हो चुका है सीख कबाब का मसाला, और इसमें जो जो चीज़ें ऐड हुई हैं बेसन, और इसके अलावा सीख कबाब मसाला, प्याज ले। यहाँ पे जी हम लोग सीखों पे वो लगाने लगे थे, और इसके अलावा जो कोयले वगैरह हैं
वो भी जो मेरी बहन है वो जला रही थी। सो ये रेडी हो चुके हैं, सीखों पे हम लोगों ने बोटियाँ वगैरह लगा दी हैं और ये देख सकते हैं आप लोग धुआं ही धुआं, क्योंकि कोयले जलाना बड़ा मुश्किल होता है। सो ये जो है इसको जला रही थी और इसके बाद जी हमने जो है सीखें वगैरह रख दी ऊपर और अब जो आराम से पकेंगी। अब इसको थोड़े से ऑयल ऊपर लगाएंगे ताकि एक फील आए कि बारबेक्यू हो रहा है। इसे ये होता है कि अच्छे से पक भी जाता है, नरम भी रहता है और थोड़ा सा धुआं वगैरह भी होता है। हर बकरा ईद पे अम्मी की तरफ लाजमी बारबेक्यू होता है और इसके अलावा जो है कज़न्स वगैरह भी आए होते हैं, सो मज़ा आता है, एक गेट टुगेदर हो जाती है। सो इसके अलावा ईद के दूसरे दिन कज़न की तरफ होता है, दावत वगैरह होती है, जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर कर चुकी हूँ और ये आप देख सकते हैं ये आहिस्ता आहिस्ता अभी बन रहे हैं। और अभी जो है ये हम लोगों ने फर्स्ट टाइम ही ये किया था और अभी स्टार्ट हम लोगों ने किया है बनाना और ये देख सकते हैं आप क्या कर रहे हो हैं? कौन सी वीडियो बंद क्यों की है? बारबेक्यू खाने में बड़े मज़े के लगते हैं लेकिन जब बनाना होता है, कोयले वगैरह जलाने होते हैं, सो वो बड़ा टफ होता है इनका मसाला वगैरह। सो हमारा जो है बारबेक्यू तैयार हो रहा है और ये जो लास्ट ईद का जो होता है इवेंट होता है और ये ऑयल लगा रहे हैं। साथ साथ बना रहे थे, उसके बाद जो है हॉट पॉट उसमें डाल रहे थे क्योंकि फिर सबने साथ खाना खाना था। और इसके अलावा जो है उमैर भी आ गए थे और जो कज़न है वो भी हेल्प करा रही थी और वो जो है टिक्के बना रही थी और मैं जो सीख कबाब बना रही थी। सो हमारा जो है ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है और इसके बाद जो है सब डिनर करेंगे और आप लोग देख सकते हैं बहुत ही मज़े के यम्मी से लग रहे हैं और बहुत ही स्पाइसी बनाए हुए थे। आजा तू भी आजा, क्या कर रहे हो आर्यन? किसकी? सो जी हमारा जो है कंप्लीट होने वाला है और इसके बाद अब हम लोग जो है डिनर करेंगे और फिर जो है आगे जो व्लॉग में होगा वो मैं आपको दिखाऊंगी। सो आप देख सकते हैं रात का टाइम है और मौसम बहुत ज़्यादा गर्मी हुई हुई है आजकल। सो जी रात का टाइम है 12 बजे का, उस टाइम मैंने वीडियो नहीं बना सकी थी क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, फिर जल्दी जल्दी में सबको सर्व करना था। सो ये मीठे में ये पड़ा हुआ है और ये भी लूँगी मैं और इसके अलावा जो है पुलाव वो मैंने लिया है थोड़ा सा। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।